एक लॉ का बैकग्राउंड आपके लिए और बेहतर तरीके से सामने लेकर के आए उन्हें हमें देखना चाहिए आइए सर फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं तो सबसे पहली मूवी है एंग्री एंग्री सर किस कुछ बताएंगे हमें इस मूवी के बारे so, में uh, 12 जिसको एक, हिंदी रीमेक भी किया गया था, एक रुका हुआ फैसला के नाम से इज अबाउट ज्यूरी ट्रायल्स राइट ज्यूरी ट्रायल्स हमारे कंट्री में के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद से बंद हो गए थे बट तब तक तो चले ना और ये ज्यूरी ट्रायल एक बहुत पिक्यूलियर ट्रायल था जिसमें एक व्यक्ति को अपना इनोसेंस प्रूफ करना था बारह लोगों को ज्यूरी के राइट एंड किस तरीके से वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करता है कैसे पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो मेरे ख्याल से सभी लॉ स्टूडेंट्स को देखना चाहिए क्योंकि ऑल्दो ज्यूरी सिस्टम हमारे यहां अब नहीं बचा है बट स्टिल हम लोगों को लोगों की साइकी एंड किस तरीके से कोर्टरूम प्रोसीडिंग्स चला करती थी इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मूवी मैम आप बताइए पिंक में सर जैसा कि हमने देखा ही होगा आप सभी ने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी थे और तापसी पन्नू जी थी यहां पर क्या बात इश्यू रेज हुआ था कि अगर नो कह दिया है एक महिला ने तो उसका मतलब नो है भले ही वो एक प्रोस्टिट्यूट हो या आपकी नहीं कर सकते जो उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहा है इनफैक्ट इस मूवी में कैरेक्टर असासीनेशन को लेकर के भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ था विच वॉज सी थर्टीन क्रिमिनलेंट

ये भी मूवी दूसरी एक फ्यू गुड मैन करके एक इंग्लिश मूवी थी उसके ऊपर बेस है एक कोर्ट मार्शल में कैसी प्रोसीडिंग्स होती हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लॉ स्टूडेंट्स होंगे जो कि भविष्य में सोचेंगे कि हम आर्मी में जाएं हम जैग uh, की पोस्ट के लिए अप्लाई करें दिस इज वॉट समथिंग अराउंड वॉट यू वुड बी सीन एज अ जज एडवोकेट जनरल राइट एंड दिस इज सच अ थ्रिलिंग मूवी विद सो मच ऑफ रिसर्च पुट इन टू इट कि इसको देखना इज अपने आप में एंटरटेनिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव अगली मूवी की बात करें सर सेक्शन 375 सेक्शन 375 हमने आईपीसी में जनरली पढ़ा होगा बट क्या हमने कभी सोचा है विलिंगनेस जो वर्ड वहां पे यूज है और जो कंसेंट यूज है उसमें डिफरेंस क्या है इस मूवी में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्री विल एंड अ कंसेंट हो सकता है एक महिला की विलिंगनेस हो बट शी डज नॉट कंसेंट टू अ पर्टिकुलर एक्ट एंड इफ शी डज नॉट कंसेंट टू अ पर्टिकुलर एक्ट इट विल फॉल अंडर सेक्शन 375 एंड यू कैन बी गिल्टी पूरी तरीके से इसको गया है, इस में. कहीं कहीं पर आपको still, कि ये देखना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दर्सपेक्टिव ऑफ अ एडवोकेट एंड ऑफकोर्स देर इज वन और जो हमें सोनली एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी देखनी चाहिए एंड इन जॉली एल एल बी एंड जॉली एल एल बी टू आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट देर सटायर इसमें अः कॉमेंट किया गया है काफी सारे जो गड़बडियां हैं हमारे जस्टिस सिस्टम में एंड लेट्स बी वेरी फेयर कुछ कमियां तो हर सिस्टम में रहती ही हैं उन कमियों को भी यहां पर जब उजागर करने की कोशिश की गई तो दे हैव आल्सो इंश्योर्ड टू टेल अस कि ऐसे भी लोग हैं सिस्टम में जो उसके अगेंस्ट भी हैं ऐसे भी लोग हैं जो उसको सुधार रहे हैं पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम एंड इट्स रियली फन टू वॉच आल्सो सर आई वुड लाइक टू ऐड कि जो इस मूवी में दिखाया गया है हमारे कोर्ट्स <laughs> ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं करते हैं सो so, ये उस पर्सपेक्टिव से भी देखना कि कैसे काम नहीं किया जाता है कि जितना भी आपको टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए कीजिए लेकिन अपने लिए भी कुछ समय निकालिए कुछ मूवीज देखिए एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स गाई सलोट बाय